नमस्कार, कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। आप भी पूछना चाहते हैं कमोडिटी में से जुड़ा कोई सवाल, कोई ट्रेड आपने किया है या करना चाहते हैं तो पूछे हमसे सवाल। नंबर हमारा है, नोट कर लीजिए, 0222300 1634 और 0222300 1635 पर आप अपने सवाल भेजिए और हमारे एक्सपर्ट जो है वो आपके सवालों का लाइव जवाब देने के लिए तैयार हैं। खास मेहमान हमारे साथ दो हैं, परिचय करा देते हैं। ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल और पैराडाइम कमोडिटी के बीरेन वकील हमारे साथ हैं। भाविक जी और बीरेन जी, दोनों का स्वागत करते हैं हमारे इस शो में। और सबसे पहले बात करते हैं कमोडिटी सोने चांदी की। शुरुआती सुस्ती के बाद हमने देखा आज सोने चांदी में बड़ी तेजी आ गई है। दरअसल डेवलपमेंट ये हुई कि रूस के यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई बढ़ाने के धमकी के बाद दाम बढ़ गए हैं। एमसीएक्स पर सोना 300 रुपए बढ़कर 49,500 के ऊपर पहुंचा, तो चांदी में 800 रुपए की तेजी देखी गई है। एमसीएक्स पर चांदी 57,000 के ऊपर ट्रेड कर रही है और खास बात यह है कि डॉलर में उछाल के बावजूद ये तेजी बरकरार है। और सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट आज रात, ब्याज दरों पर फेड के फैसले पर भी बाजार की जो नजरें हैं वो टिकी हुई है। सबसे पहले सोने चांदी पर ही टेक लेते हैं। भाविक जी, आपसे समझना चाहेंगे, ये जो तेजी हम देख पा रहे हैं सोने चांदी में, क्या ये तेजी टिकाऊ है और ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए अभी? गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए, आपने सही बताया कि आज के दिन जो रशिया का पुतिन साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था कि मिलिट्री मोबिलाइजेशन आई थिंक वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद पहली बार हुआ है, तो उसकी वजह से ही जो सोने और चांदी में एक सेफ हेवन डिमांड हमने देखने को मिली कि जहाँ पे शार्प राइज किया है। हालांकि अगर डॉलर देखें तो डॉलर भी अभी स्ट्रांग है और ट्रेजरी यील्ड भी स्ट्रांग है, बट मुझे लग रहा है कि ये जो आज की जो तेज़ी है वो आई थिंक थोड़े बहुत टिकाऊ है। आज शाम को जो फेड की बैठक होने वाली है उसकी वजह से मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ओवरनाइट पोजिशन ना कैरी करें, बट अगर हम लास्ट चार बार जो ब्याज दर बढ़ाए थे फेड ने, अगर हिस्टोरिकली देखें तो जब भी फेड ने ब्याज दर बढ़ाए तो उसके बाद सोने में एक रिलीफ रैली आई है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी एंटिसिपेट कर दिया है। और इस बार भी अगर देखें तो 75 बेसिस पॉइंट्स रेट हाइक जो है वो मार्केट ने ऑलरेडी एंटिसिपेट किया था, तो मुझे लग रहा है कि सोने में आज के दिन भी जो थोड़ी बहुत तेज़ी है वो दिख सकती है। बट चांदी में मैं ज़्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि चांदी अगर देखें तो गोल्ड से ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है और चांदी में जो शॉर्ट कवरिंग है वो भी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से अगर गोल्ड और सिल्वर में कोई ट्रेड लेना है तो मैं चांदी में रिकमेंड करूँगा कि चांदी दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 56,850 जो थोड़ा डिप आता है तो बाय कर सकते हैं 57,500 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 56,450 का। बीरेन जी, आपका रिकमेंडेशन किस में रहेगा, सोने और चांदी में से? मैं गोल्ड में प्रेफर करूंगा सिर्फ इंट्राडे के हिसाब से। यहाँ 49,300 पे बाय कर सकते हो, 49,900 के आसपास का टारगेट रहेंगे, स्टॉप लॉस 49,000 का रहेगा। स्टॉप लॉस आज छोटा है। ओके, तो सोने चांदी में ये रही राय हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की। कुछ कॉलर से भी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले दिल्ली से मनीष हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। मनीष जी, स्वागत करते हैं, क्या है आपका सवाल? मैम, मैंने पूछना था कि क्रूड में क्या किया जाए करंट लेवल पे। ओके, क्रूड लेवल पर, करंट लेवल पर क्रूड में स्ट्रैटेजी जानना चाह रहे हैं भाविक जी। जी देखिए, आज क्रूड में भी थोड़ी बहुत उछाल हमने देखने को मिली ये पुतिन के स्टेटमेंट के बाद, बट फिर भी अगर देखें तो जो रैली आनी चाहिए वो इतनी आई नहीं है, अभी भी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अभी भी स्ट्रांग है। आई थिंक 69.51 का जो हाई है वही सेफ साइड से स्टॉप लॉस से एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। डाउनसाइड अभी भी लिमिटेड रख रही है, बट 6800 का टारगेट रख सकते हैं और 69.50 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और अगर 69.50 ब्रीच करता है तो आप डबल कर दीजिए, आपकी शॉर्ट पोजीशन में से लॉन्ग में हो जाइए 6900 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 7100 का। ओके, एक और सवाल लेते हैं ग्वालियर से, अंकित जी हमारे साथ हैं। अंकित जी, स्वागत करते हैं, बताइए आपका क्या सवाल है? जी मैम, मैंने 300 रुपए का गोल्ड सेल किया हुआ है, तो जानना चाहूंगा उसको होल्ड रखूंगा नहीं रखूंगा। ओके, तो गोल्ड पर फिलहाल राय लेना चाह रहे हैं बीरेन जी, क्या करें?
आज के दिन तो मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है कि सीमित दायरे में रहेगा, बट जब ये इवेंट खत्म होगी उसके बाद एक रिलीफ रैली आ सकती है, क्योंकि ये 75 बेसिस पॉइंट का जो रेट है कि वो डिस्काउंट हो चुका है। अगर बाई चांस अगर 50 बेसिस पॉइंट का रेट है गया तो मार्केट उसको सपोर्टिव मान के चलेगा। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि अगर फुल बेसिस पॉइंट मीन्स 100 बेसिस पॉइंट का रेट है गया तो मार्केट दबाव में आ सकता है, अदरवाइज 75 बेसिस डिस्काउंट हो गया है। ओके सर, एक और कॉलर से जरा बात करते हैं, उनका सवाल जानते हैं। हनुमानगढ़ से विनोद हमारे साथ हैं। विनोद जी बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो, पूछे सवाल विनोद जी। टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए और सवाल पूछे अपना। मैडम आवाज आ रही है मेरी? जी हेलो पूछे सवाल। मैडम मैं वीरेन वकील जी से पूछना चाहूंगा कि अगर ग्वार की फसल इस साल 50 लाख के अंदर रह जाती है तो क्या भाव बन सकते हैं ग्वार के? ग्वार पर आपसे राय लेना चाह रहे हैं बीरेन जी। आप जो बोल रहे हो 50 साल 50 लाख के नीचे फसल रहेगी, वो जरा मुझे थोड़ा थोड़ा नहीं समझ रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने 1.25 करोड़ या 1 करोड़ बोरी की बात सुनी थी, और अभी आप ये 50 लाख बोल रहे हो तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कितनी आएगी कितनी नहीं। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि गम का जो कैरी फॉरवर्ड है ये देखते हुए इसमें ग्वार में कोई सुपर बुलिश व्यू नहीं है मेरा, हमें 8-10 हजार भाव हो जाए ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। ओके एक और कॉलर से बात करते हैं। गुजरात से राम हमारे साथ हैं। बताइए सर आपका क्या सवाल है। मेरा बीरेन जी से सवाल है, सोयाबीन क्या 4 हजार हो सकती है? सोयाबीन पर आज क्या राय देना चाहेंगे इन्हें बीरेन जी। सोयाबीन में पिछला कैरी फॉरवर्ड काफी लंबा है, मीन्स 40-45 लाख के आसपास का कैरी फॉरवर्ड होगा। इस साल की फसल भी काफी अच्छी है, मंडियों में दाम अभी 46 के आसपास आ गए हैं, 46-47 के आसपास। शायद ये MSP के नीचे मीन्स 44 को शायद टेस्ट करेगा, और गवर्नमेंट अगर फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू नहीं करती तो आगे और भी दबाव रहेगा जब नई फसल शुरू होगी मीन्स दिवाली के बाद। ओके यहाँ पर भाविक जी नेचुरल गैस पर आपकी राय लेना चाहेंगे। फिलहाल नेचुरल गैस में क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे आप। जी नेचुरल गैस में मैं थोड़ा बुलिश हूँ, बट इंट्राडे पर्पस नहीं, पर मुझे लग रहा है कि पोजिशनली अगर देखें तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि सारे फंडामेंटल जो है वो थोड़ा स्ट्रांग है। खुद US जो नेचुरल गैस प्रोड्यूस कर रहा है अभी, वहाँ पे भी थोड़ी डिमांड ज़्यादा हो चुकी है और इन्वेंट्रीज कम है, क्योंकि इस बार जो गर्मी एक्सपेक्टेड से ज़्यादा हुई है तो उनको भी जो नेचुरल गैस की यूजेज थी वो बढ़ गई है। और यूरोप में अगर देखें तो कमी है, इनफैक्ट भले ही उन लोगों ने 90% से ज़्यादा इन्वेंट्री स्टोर की है, बट इट वुड ओनली लास्ट अबाउट 2-2.5 मंथ। आगे जाके भी नेचुरल गैस की डिमांड आने वाली है, और हुरेकन सीजन भी स्टार्ट हो रही है, तो अगर हुरेकन गल्फ ऑफ मेक्सिको के कहीं और आ सकता है तो वहाँ से और तेज़ी दिख सकती है, क्योंकि प्रोडक्शन पे कट हो सकता है। तो मेरा मानना है कि एक ऑप्शन वाया हम ट्रेड ले सकते हैं कि जहाँ पे 700 का जो कॉल ऑप्शन है 21 अक्टूबर स्ट्राइक प्राइस का, वो 36 के अराउंड बाई कर सकते हैं 55 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 28 रुपीज़ का, और ये आई थिंक 1 वीक से 2 वीक के लिए का टारगेट है। ओके तो नेचुरल गैस पर राय हुई हमारे आज के एक्सपर्ट की। एक कॉलर से बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या सवाल है। बुलढाणा से उमेश इस वक्त हमारे साथ। उमेश जी बताइए क्या सवाल जानना चाहेंगे। कॉटन में जानना था मुझे, कॉटन में क्या करें और मंडी आ सकती है क्या और थम गई मंडी? कॉटन पर सवाल जानना चाह रहे हैं। इनफैक्ट कॉटन कीमतों में आज हल्की रिकवरी भी देखने को मिली है बीरेन जी। कॉटन में वैसे तो तेजी के भाव से काफी डीप आया, मीन्स 1 लाख जो कैंडी थी वो गिर के 65-66 तक आ गई है। थोड़ा पुल बैक शायद आ सकता है, बट नई सीजन में फसल काफी अच्छी है लास्ट ईयर की तुलना में, और ग्लोबल मार्केट्स दबाव में है, खास करके चाइना में जो स्लो डाउन है, ये सब देखते हुए शायद ये साल में हम MSP पे शायद कॉटन देखेंगे, तो लास्ट ईयर के जैसे ही तेजी की ये साल फिलहाल तो उम्मीद नहीं लग रही है।
ओके, एक और कॉलर से चलिए बात करते हैं। सांगली से विनोद हमारे साथ हैं। विनोद जी स्वागत करते हैं आपका, बताइए आपका क्या सवाल है। मैडम मैंने 6,700 रुपए पे 2 क्रूड ऑयल का लॉट शॉर्ट किया है, इसमें रुकूं क्या निकल जाऊं? ओके, 2 क्रूड ऑयल का लॉट इन्होंने शॉर्ट किया है 6,700। भाविक जी क्या करें? देखिए अभी भी मैंने बताया कि वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं लग रही, बट रशिया का जो ये बयान आया है पुतिन साहब से, तो वहाँ उसके बाद थोड़ा अनसर्टन हो चुका है, तो क्रूड शायद रैली भी आ सकती है। तो 6951 का आज का जो हाई है, आई थिंक वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से आप शॉर्ट अपने बने रहिए, और 6950 के ऊपर जाता है तो आपकी शॉर्ट निकाल दीजिए, क्योंकि अगर उसके ऊपर जाता है तो 7150 से 7200 के लेवल्स भी दिख सकते हैं। ओके, जरा मेटल काउंटर का रुख कर लेते हैं। मेटल काउंटर में खासतौर पर जिंक पर क्या राय रहेगी आपकी बीरेन जी, अभी क्या करें? जिंक में 279-280 के आसपास एग्रेसिव ट्रेडर है तो लॉन्ग साइड जा सकते हैं। अगर रिलीफ रैली आती है फेड इवेंट के बाद तो जिंक ज़्यादा आगे रहेगा। इसमें सप्लाई साइड की प्रॉब्लम काफ़ी सीरियस है। स्पॉट जिंक करीबन $500 के प्रीमियम में यूरोप में बिक रहा है और प्रोडक्शन कट भी वहाँ काफ़ी है। तो करंट लेवल से 279-280 पे हम बाय कर सकते हैं 275 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट 285-287 रख सकते हैं। अगर लंबा नजरिया है तो 295-298 भी रख सकते हैं। ओके, तो जिंक में खरीदारी की राय बीरेन वकील की तरफ से। और भाविक जी, मेटल काउंटर में आपकी तरफ से आपकी कोई टॉप पिक? मुझे एल्युमिनियम सेल लग रहा है, क्योंकि एल्युमिनियम अगर देखें तो काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है। हालांकि जो उसके सप्लाई साइड है वहाँ पर ज़्यादा इश्यू है, क्योंकि काफ़ी यूरोप की स्मेल्टर और चाइना की स्मेल्टर है वो हाई कॉस्ट की वजह से कम है गई है, तो सप्लाई कम हो गया है, बट फिर भी अगर देखें तो प्राइसेस कम हो रहा है, तो उसका एक ही वजह होगा कि डिमांड जो है वो कम है। और कल के दिन पे देखे थे तो सारे जो बेस मेटल से उसमें एक रैली आई थी, बट एल्यूमिनियम में नहीं आई थी, और आज के दिन सबसे वीक काउंटर एल्यूमिनियम ही लग रहा है, क्योंकि उसने उसका जो 200 रुपये का भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो ब्रेक कर दिया है। तो एल्यूमिनियम आई थिंक शॉर्ट कैंडिडेट है कि आज के दिन वो 196 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 192 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 198 का। ओके, तो एल्युमिनियम पे ये राय रही भाविक जी की तरफ से। पंजाब से कॉलर इस वक्त हमारे साथ है, स्वागत करते हैं आपका, नाम क्या है और बताइए कौन से क्या सवाल है आपका? हेलो, हेलो जी, बताइए सर क्या सवाल है आपका? स्वाति मैम नमस्कार। नमस्कार मैडम, आज सुबह जो पुतिन सर ने जो धमकी दी है न्यूक्लियर की, उससे क्रूड पर क्या असर पड़ेगा? और मैंने 9,000 का कॉल लिया हुआ है भारी मात्रा में 27.30 रुपए से, तो अप्रैल वाली तेजी बनेगी कि नहीं बनेगी, मेरा सवाल ये। ओके, तो पुतिन की धमकी के बाद क्रूड पर क्या असर पड़ेगा? क्रूड पर काफी सवाल आ रहे हैं बीरेन जी, क्या करें? ये ऑप्शन के हिसाब से इसमें काफ़ी अच्छे ट्रेड होते हैं, ऑप्शन में ट्रेड नहीं करता हूँ, ये भाई भाई इसको बेटर हैंडल कर पाएंगे। ओके, भाविक जी आप राय देना चाहेंगे? जी जरूर, आई थिंक उन्होंने 9,000 का जो ऑप्शन लिया है वो काफ़ी फार अवे का दिया है, तो आई थिंक उनका रीज़न वही होगा कि प्रीमियम कम होंगे। बट अगर एक प्रॉब्लम ये है कि अगर ये 7500 के करीब ही आता है तो जो प्रीमियम जो है इतना बढ़ेगा नहीं, क्योंकि काफ़ी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि उसके बदले वो 8,000 का ऑप्शन ले ले, जो थोड़ा महंगा रहेगा, बट अगर प्राइसेस में मूवमेंट आएगी तो उसमें प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, वरना ऑप्शन में जो उनका 9,000 का प्रीमियम है वो थोड़ा घिस जाएगा। तो आई वुड रिकमेंड 8,000 के करीब अगर आता है तो 8,000 का जो ऑप्शन है वो बाय कीजिए, और फ्यूचर में वो स्टॉप लॉस बना के रखिए 6700 का। अगर 6700 के नीचे जाता है तो जो उनके लॉन्ग पोजिशन जो उन्होंने ऑप्शन में लिया है वो उनका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा, वहाँ से वो निकल जाइए। ओके, पंजाब से सीमा इस वक्त हमारे साथ है, बताइए स्वागत करते हैं, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मैं वीरेन सर से ये पूछना चाहूंगी कि ग्वार सीड का रेट 6,500 कब तक हो सकता है?
ग्वार सीड का रेट 6,500 कब तक हो सकता है बिरेन जी? लास्ट ईयर हमने काफ़ी अच्छा रनअप देखा था, बट इसके बाद लगातार चाइना लॉकडाउन, रशिया यूक्रेन वॉर, फेड का इंटरेस्ट रेट ट्रेंडिंग, बहुत से नेगेटिव फैक्टर इसमें उभर के आए हैं। अक्टूबर के आसपास अगर ये 47-44 मतलब 4,500 के आसपास अगर आता है तो शायद ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड बनेगा। फिलहाल 6,500 की उम्मीद दिख नहीं रही है, सिवा के फसल में कोई भारी मात्रा में कटौती हो। आप देते हैं कमोडिटी लाइव कॉलर शो और एक कॉलर हमारे साथ है हिमाचल प्रदेश से, राज। राज जी बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम, मेरे को ना पोजीशन बेस पे गोल्ड पे प्रॉपर एंट्री लेवल प्लस स्टॉप लॉस, या अगर स्टॉप लॉस लंबा है तो उसके एवरेज करने के लिए भी कोई पॉइंट पोजिशनल बेस दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट। ओके भाविक जी, गोल्ड पर सवाल। देखिए अगर उनका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आई वुड से के 49,000 से 48,500 के बीच में, अगर इनफैक्ट यही फैट की बैठक में अगर करेक्शन आता है और 48,500 के करीब अगर आता है तो आई थिंक एक अच्छा पॉइंट है कि जहां से वो लॉन्ग कर सकते हैं और मीडियम टर्म टारगेट रख सकते हैं 50,500 से 51,000 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 47,500 का, क्योंकि हमने पहले भी देखा, इनफैक्ट दो साल देखा है कि 1650 के करीब जो इंटरनेशनल बाजार है वहाँ पे जब भी सोना आता है तो वहाँ से करेक्ट होता है, इस बार भी 1650 से ही बाउंस बैक हुआ है। तो एक MCX में 48,500 एक अच्छा लेवल है कि जहाँ पे अगर आता है तो 47,500 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। ओके, चलिए आपको एक एक्सक्लूसिव बातचीत भी आप सुना देते हैं। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने से खास बातचीत पे टेक्सटाइल सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा है कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। इस बातचीत में टेक्सटाइल सचिव ने और क्या कहा, सुनते हैं। हमने करीब पहले दो साल पहले ही नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन करके एक नया मिशन चलाया है जिसके अंदर हम R&D भी कर रहे हैं और इसका प्रचार प्रसार कैसे बढ़े उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। वहां पे हमने PLI और नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, ये दो काम किए हैं। ये जो हमारी इनिशिएटिव PM मित्रा पार्क की है, प्रधानमंत्री जी का जो 5F का जो विजन है उसके अनुसार जो हम मेगा टेक्सटाइल पार्क सेटअप करने जा रहे हैं, इससे साइज एंड स्केल भी आएगा और इसके साथ साथ साइज एंड स्केल के साथ साथ जो हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम होगी। साथ में कुछ दूसरे इनिशिएटिव्स भी हुए हैं जैसे PM गति शक्ति है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, तो इन सबों का फायदा भी हमको एक्सपोर्ट बढ़ाने में होगा। क्या सरकार किसी तरह के कोई प्रयास कर रही है दोनों तरीके से, एक लगातार कॉटन की सप्लाई बढ़े या हमारे पास रिजर्व हो, दूसरा भाव बेतहाशा ऊपर नीचे ना हो, इसको लेकर आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? खुशी की बात इस साल ये है कि एक तो केवल एरिया ही नहीं बढ़ा है, इस बार कॉटन की फसल भी अच्छी है और हम ये आशा कर रहे हैं कि इस साल करीब 375 लाख बेल्स, मतलब जो पिछले साल केवल 315 लाख बेल्स थी, इस बार 375 लाख बेल्स कॉटन उत्पादन होने का अनुमान है। मुझे आशा है कि इस साल कॉटन के प्राइसेस जो हैं वो हमारे लिए कोई बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं रहेंगे। आइए बात करते हैं चीनी की। 2022-2023 की शुगर एक्सपोर्ट पॉलिसी में क्या हो सकता है, इस पर इस्मा के प्रेसिडेंट आदित्य झुनझुनवाला से बात की है हमारे संवाददाता अमरीश पांडे ने। सरकार नई शुगर एक्सपोर्ट पॉलिसी लॉन्च करने वाली है और उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं इस्मा के प्रेसिडेंट आदित्य झुनझुनवाला। सर, सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या आपको उम्मीद है इस पॉलिसी से, क्योंकि क्रशिंग का टाइम ऑलमोस्ट नजदीक है। ब्राजील जैसे बाकी जो देश है जो कि शुगर एक्सपोर्ट या शुगर जैसे इंडस्ट्री में है वो काफी पहले से कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू कर चुके हैं। आपको क्या लगता है कि पॉलिसी लेट है और किस तरह की पॉलिसी आएगी? जो हमने सरकार से पॉलिसी की डिमांड की है, हमने ये देखा है कि अगले इस साल का प्रोडक्शन पिछले साल से भी बेहतरीन होगा और 400 लाख टन का प्रोडक्शन हम ध्यान में रखते हुए हमने सरकार से 80 लाख टन चीनी निर्यात करने की अनुमति की मांग की है। और हमने ये भी साथ में सरकार से कहा है कि एक MEQ की जो पॉलिसी पहले की थी जो अच्छी तरह से जिसका कामयाब होकर एक्सपोर्ट हुआ था, अन्यथा OGL में दो पॉलिसी में से किसी पॉलिसी पर गवर्नमेंट को ध्यान देके एक नई पॉलिसी को तुरंत उसका निर्धारण करना चाहिए, सो दैट चीनी मिले अपने उत्पाद का निर्यात कर सकें।
जहां तक एथेनॉल का सवाल है, इसमें दो तरह की चीजें, एक तो डिमांड की साइड है और एक सप्लाई की साइड है, तो दोनों को मिलकर काम करना होगा। जहां तक सप्लाई की साइड है, इसमें अपनी तरफ से पूरा ध्यान लगाई हुई है और हम लोग नई कैपेसिटीज का निर्धारण कर रहे हैं। जहां तक कि प्राइस का सवाल है, एक इथेनॉल की एक पॉलिसी सरकार ने बना रखी है, एफआरपी से जो लिंक है और इंटरनेशनल और डोमेस्टिक शुगर प्राइस से लिंक है, तो हमें पूरी उम्मीद है सरकार एक अच्छा निर्णय उसमें लेगी और जो इथेनॉल के प्राइसेस को एक रिवीजन होगा। चलिए, तो आज के कमोडिटी लाइव कॉलर शो में बस इतना ही। धन्यवाद करेंगे भाविक पटेल जी और बीरेन वकील जी, आपका हमारे साथ इस शो में शामिल हुए। तो